नमस्कार, मैं जन जागरूकता मीडिया से आरती जैन। आज हम पहुंचे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, जहां पे हम देख सकते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। After going out of the university, think of the freedom movement, think of Gandhiji, Netaji Subhash Chandra Bose, and all other big leaders who fought against the Britishers, the big power, and you sacrifice and help the society, especially the poor and neglected people who are deprived of their privileges and even unknown about their constitutional rights, make them aware of their rights, stand by them and build this nation. You should be the builder of the nation. Thank you. मैम, आपका परिचय? जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका चंदेल है। मैंने लाइफ साइंस से अपनी पीएचडी डिग्री कंप्लीट किया है। किस विषय में आपने शोध किया? जी, मेरा जो है बायो साइंस सब्जेक्ट में मैंने किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे मेरा वर्क था कि मोबाइल फ़ोन और मोबाइल टावर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है उसका लोगों के स्वास्थ्य पे और सोने जागने की प्रवृत्ति पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। थैंक यू। मैम, मिसेस वंदना काले जी, आज आपकी बेटी और आपके शायद हस्बैंड दोनों को गोल्ड मेडल मिला, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस वर्ष, ये वर्ष हमारे लिए मन ऐसा है कि सोना मिलने वाला वर्ष हो गया। पिता के रिटायर होने की उम्र है, उस उम्र में फ्रेशर बच्चों के साथ पढ़ के इन्होंने टॉप पोजीशन हासिल किया है, इनको गोल्ड मेडल मिला है। सर, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके साथ में लगा रहता हूँ, पढ़ने का माहौल देना चाहता हूँ और करके दिखा रहा हूँ कि बच्चे उसको देख करके प्रेरित हों और पढ़ते रहें। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, जब जागे तब सवेरा, और लगातार पढ़ते रहना चाहिए हर इंसान को। आपका परिचय? मम नाम डॉक्टर शीतल चंद्र शर्मा, अहम भिलाई इस्पात संयंत्र संस्कृत शिक्षके संस्कृत शिक्षक रूपेण कार्यम करोमि। मम शोध कार्य से विषयमस्ति अर्वाचीन संस्कृत साहित्य से यात्रा वृत्तांत से अनुशीलनम। मैं भिलाई इस्पात संयंत्र में संस्कृत और हिंदी का टीचर हूँ, दोनों विषय लेता हूँ, और मैंने मॉडर्न संस्कृत विषय को लेके पीएचडी की और एक लंबे लेखन अनुसंधान का कार्य आज सफल हो गया। कुलपति उन्होंने मुझे सम्मानित किया था और आज हमें महंत रामसुंदर दास जी को सम्मानित करने का अवसर मिला है। सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों और पत्रकार मित्रों, खुशी की बात यह है कि जितने भी आज दीक्षांत समारोह में उपस्थित हैं उसमें 76% महिलाएं हैं। सबसे ज़्यादा उपस्थिति उनकी, तो नारी शक्ति का भान आप लोगों ने कराया और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए। पहले मध्य प्रदेश के समय में छत्तीसगढ़ में केवल एक विश्वविद्यालय, पंडित रविशंकर शुक्ल, इस मायने में हम कह सकते हैं कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ का यही है। और यहाँ बहुत सारे लोग जो बैठे हैं इसी विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल किए हैं। मेरा नाम अनुराग नागर है, मैं भिलाई स्टील प्लांट से 5 साल पहले रिटायर हुआ हूँ और मैंने 65 की एज में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। मैं यही चाहता हूँ कि मैं बच्चों को गाइड करूँ अपने एचआर के फील्ड के थ्रू और बाकी भी चीज़ों में कि किस तरीके से उनको करियर बनाना है। और ये छत्तीसगढ़ हमारा अपकमिंग स्टेट है और इसमें बच्चों ने काफ़ी आगे जाना शुरू कर दिया है, मैं उसी प्रोसेस का एक पार्ट होना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम निकिता साहू है, मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है 1920 में।
आपको आज कैसा लग रहा है दीक्षांत समारोह का आयोजन किया था और इतने सारे आपको गोल्ड मेडल मिले उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है और पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं, तो पेरेंट्स की खुशी देख करके ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है अंकल आज आपकी बेटी ने इतने अच्छे गोल्ड मेडल्स प्राप्त किए? बहुत ही खुशी की बात है भाई, हमको तो पहले से ही अंदाज था, इनको जब छोटी थी ना तब से इनका ऐसा झलक तो मिलता ही था कि लड़की आगे बढ़ के मैंने कुछ तो करेगी, अभी भी ऐसा लग रहा है कि आगे और बहुत कुछ कर सकती है। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर अवधेश पटेल, मैंने अपना PhD किया है एजुकेशन में, मेरा टॉपिक रहा मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद का शिक्षकों के व्यक्तित्व और जीवन शैली पर प्रभाव का अध्ययन, जो टीचर अभ्युदय संस्थान में अध्ययन करते हैं जीवन विद्या का, उनको मैंने PhD किया है। कैसा रहा आपका अनुभव? मैडम मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, ये समझ में आया कि एक नया दर्शन है जिससे मुझे PhD करने का अवसर मिला और इसका इम्पैक्ट पूरे शिक्षकों को लेकर पूरे मानव जाति पे बहुत सकारात्मक असर इसका पाया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा इस सब्जेक्ट में PhD करके। आपका परिचय? मेरा नाम तरनजीत कुकरेजा है। आज ये दीक्षांत समारोह का आयोजन रखा गया था तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ, 2020 से वेट कर रहे थे कि कब होगा, एंड मेरे को मिला है मेडल, बैचलर्स में भी मिला है, मास्टर्स में भी मिला है 2020 और 22 में। अभी आप कौन से कोर्स में थे? मैं फार्मेसी से की हूँ, BPharm, MPharm और अभी मैं PhD कर रही हूँ। किस में PhD कर रही हूँ? फार्मास्यूटिक्स। का परिचय? मेरा नाम डिंपल बोधवानी है, मैं MSc IT से PRSU से को अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है। कैसा लग रहा है आज दीक्षांत समारोह के बाद आपको ये डिग्री मिल गई उसके बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, डिग्री मिल गई फाइनली, गोल्ड मेडल, थैंक यू। दैट हाई इज नॉट मेंट फॉर अ गाइस टू सी सो मेनी थिंग्स, ओके, डोंट अब्यूज और डिसयूज और मिसयूज योर बॉडी और माइंड, देन यू हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ, फ्यूचर इज बिफोर यू इज ब्राइट, ओके, डोंट वरी, फ्यूचर बिफोर यू इज ब्राइट। There are many opportunities if you open your mind, eyes and ears and orient yourself for things before you and those who will emerge thoda aage. If you do that, your bright future. God bless. आपका परिचय? मैं डॉक्टर दीपक कुमार साहू। कौन से सब्जेक्ट में आपने PhD किया? मैंने रसायन शास्त्र विषय में अपनी PhD प्रदान की। आप इससे आने वाले युग को क्या शिक्षा देना चाहेंगे? एक्चुअली जो मेरा वर्क है पेस्टिसाइड पे है, तो मेरा मेन मोटिव है जो एग्रीकल्चर एरिया है उसमें कम पेस्टिसाइड यूज़ करके ज़्यादा उत्पादन कैसे करें, ये किसानों के लिए बेनिफिट है मेरा वर्क। आपका परिचय? मेरा नाम बादल सोनी है, मैं गोबरा नवापारा तरी कॉलेज से हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज BSc में अध्ययनरत था और अंतिम वर्ष में मुझे रसायन सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल मिला है। आपका परिचय? मेरा नाम सोनल सिंह श्रीवास है और मैंने MSc 4th सेमेस्टर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है 2022 वर्ष में। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, अगर देखा जाए तो ये एक पल है जो एक स्टूडेंट को उसका एक आइडेंटिटी देता है और एक माँ बाप को गौरव का अवसर देता है। आज आपको कैसा लग रहा है? हमारे लिए बहुत ये गौरव का विषय है कि आज ये मेरी छोटी बेटी ने हमारे परिवार को और पूरी तरीके से जो हमारी जो उम्मीद है उस पर वो खरी उतरी है, जिससे मैं और मेरा परिवार गौरवित है। विभाग के संयुक्त प्रयास से विश्वविद्यालय को DST पर्स ग्रांट के रूप में 10 करोड़ रुपए की शोध परियोजना स्वीकृत हुई। इस परियोजना में सेंसर और नए एनर्जी डिवाइसेस बनाए जाएंगे एवं इनसे उद्योगों को भी जोड़ा जाएगा। वर्तमान सत्र में भारत सरकार के सर्व नई दिल्ली द्वारा रसायन अध्ययनशाला को 1 करोड़ का लेजर रिसर्च प्रोजेक्ट ग्रांट हुआ है। शास्त्र अध्ययनशाला के 2 प्राध्यापकों को ICSSR नई दिल्ली एवं सी कोस्ट रायपुर से मेजर एवं माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट प्राप्त हुए हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे प्राध्यापकों और शोधार्थियों का समर्पित प्रयास भविष्य में निश्चित रूप से शोध एवं शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय फलक पर एक अग्रणी भूमिका में प्रदर्शित होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के 75 चिन्हित विश्वविद्यालयों में सम्मिलित किया जाना, UGC द्वारा संसद भ्रमण के लिए विश्वविद्यालय के छात्र को चुना जाना, अनेक ऐसी सफलताएं हैं, उल्लेखनीय सफलताएं हैं जो इस सत्र में हमारे छात्रों के द्वारा अर्जित की गई हैं।
और 294 सर्टिफिकेट का वितरण किया गया दीक्षांत समारोह में, जहां कुलाधिपति राज्यपाल महोदय भी उपस्थित थे। वहीं पद्मश्री राजन साहब जो APJ अब्दुल कलाम जी के साथ काम किए, उनकी भी उपस्थिति रही है और उनके अनुभव का लाभ यहाँ के छात्र छात्राओं ने लिया और बड़े संख्या में जनप्रतिनिधि और जिनको उपाधि मिली उसके परिवारजन भी आए थे। हमारा रविशंकर विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का और अपनी इसकी प्रतिष्ठा है। सभी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।